कटिंग करने के लिए दोस्तों हमने एक कपड़ा लिया है, ये देख लीजिए, ये डबल फोल्ड में इसी तरह आपको बिछा लेना है। जितनी आपकी नाप है उसी हिसाब से सेट करना है आपको और फिर से बिछा लेना है। चारों तरफ से सेट कर लेना है, कहीं कपड़े में चुनट ना रहे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे पहले एक लाइन ऊपर खींचेंगे, जिस तरह से हम खींचेंगे उसी हिसाब से आपको खींचना है। ये देख लीजिए, ये हमने खींच लिए। इसके बाद में फिर से एक लाइन खींचेंगे क्योंकि ये कॉलर में है, इसलिए हमने डबल ले लिए। हाँ तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले समझ लेते हैं इसकी नाप। ये शोल्डर है दोस्तों, कॉलर 13.5 इंच है, लंबाई 34 रहेगी, चेस्ट 31 है, कमर 26 है और हिप्स 33 है। हाँ तो दोस्तों, जो इसकी कटिंग करेंगे वो इस नाप से नहीं करेंगे क्योंकि ये नाप ली हुई है, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा लूजिंग जोड़ना है। तो दोस्तों, वैसे तो जो सूट होता है उसमें चेस्ट में 3 या 4 इंच की लूजिंग जोड़ते हैं और कमर में 3 इंच जोड़ते हैं, 2 या 3, और हिप्स में भी 2 या 3 इंच की लूजिंग जोड़ते हैं क्योंकि ये स्कूल ड्रेस है दोस्तों, तो इसमें थोड़ी लूजिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस चेस्ट है, इसमें हम देंगे लूजिंग 5 इंच क्योंकि इससे ये ज़्यादा ना तो फिटिंग रहेगी ना इतनी लूज रहेगी और ये ठीक ठाक रहेगी मतलब। तो दोस्तों, इसमें इसलिए ये लूजिंग आपको देनी पड़ेगी। 26 कमर है तो इसमें हम देंगे 4 इंच की लूजिंग, और हिप है उसमें भी 4 इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि ये लूजिंग दोस्तों इसलिए देते हैं क्योंकि जो स्कूल ड्रेस है उसका कपड़ा थोड़ा हार्ड रहता है, तो जो पहले वाली लूजिंग है सूट की नॉर्मल वाली देंगे तो उसमें फिटिंग ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इसमें 1 इंच लूजिंग और जोड़ना पड़ता है। तो इसमें 5 इंच की लूजिंग हम चेस्ट में देंगे तो ये हो जाएगी 5 इंच, इसमें लूजिंग देंगे तो ये हो जाएगी 36, और कमर में 4 इंच की लूजिंग दे रहे हैं तो ये हो जाएगी 30, और चेस्ट हिप्स है इसमें 4 इंच की लूजिंग देंगे तो ये हो जाएगी 37। तो दोस्तों, अब इस नाप से इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इस नाप से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देख लीजिए, इस नाप से आपको कटिंग नहीं करना है, अब इस नाप से इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं और कटिंग करते हैं। ऊपर निशान लगाने के बाद फिर आप सबसे पहले लेंगे शोल्डर की नाप, ये हमने 7 इंच ले लिया है। इसके बाद में लेंगे कमर की नाप, ये कमर लेना आपको 13 इंच, इसके बाद में हिप्स लेना है 20 इंच, और अब लेंगे लंबाई। तो एक बार फिर से निशान लगा लेते हैं। इसके बाद में लेंगे लंबाई, तो लंबाई है 34, तो ये हमने 34 लगा लिया निशान। ये देख लीजिए 13, 20 और 14। इसके बाद में निशान उठा लेंगे, ये देख लीजिए इस तरह से आपको निशान उठा लेना है, तो ये हमने निशान उठा लिया है। तो उसके बाद में लेंगे जो नाप है दोस्तों, नाप का चौथा हिस्सा लेना है, ये देख लीजिए, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो हमने 9 ले लिया दोस्तों। इसके बाद में लेंगे कमर, कमर है इसकी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लेना है, तो आप देख लीजिए 7.5 इंच यानी 7.5 इंच आपको लेना है। तो ये हमने ले लिया, देख लीजिए 7.5 इंच। इसके बाद में हिप्स लेंगे, हिप्स का चौथा हिस्सा लेना है यानी 4 से डिवाइड करना है, तो हमने 9.3 यानी ढाई लेना है आपको। इसके बाद में ये हमने 9.5 इंच यहाँ निशान लगाने के बाद निशान उठा लेना आपको इस तरह से, ये देख लीजिए। तो इस तरह से हमने ये निशान उठा लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन का, यानी लूजिंग वाला जो डीला टाइट हो सके। इसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच, 7 इंच यानी 14 का 2 से डिवाइड करना है आपको, तो हमने 7 इंच ले लिया है, ये देख लीजिए। इसके बाद में निशान उठा लिया हमने इस तरह से, आपको निशान उठाते हुए सेब मिलाना है, देख लीजिए आप। ये हमने जो जो आगे से वाला पल्ला है उसमें चटाई करेंगे, उसका निशान लगाया था। इसके बाद में जो बाहर वाला निशान है उसी के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है, देख लीजिए इस तरह से आपको कटिंग करना है। जो बाहर वाला निशान है उसी के ऊपर आपको निशान के ऊपर ही लेना है, इधर उधर नहीं लेना, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने कटिंग कर लिया दोस्तों। इसके बाद में इधर से भी इसमें कटिंग कर लेंगे, इसके बाद में यहाँ चटका लगा लेंगे यानी कट लगा लेंगे जहाँ से हमारी सिलाई आएगी दोस्तों। तो इधर भी निशान उठा लें जब बनाएंगे, जब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने निशान उठाने के बाद इस तरह से आपको निशान मिला लेना है, ये देख लीजिए।
स्केल से हमने इधर भी निशान लगा लिया है, जब बनाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इसके बाद में दोनों पल्ले हमने एक साथ कटिंग की है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने ऊपर यानी 2 इंच पहले ही 1.25 इंच पहले ही हमने एक्स्ट्रा ले लिया था कंधे में, शोल्डर में, ये देख लीजिए। इसके बाद में करेंगे अब आस्तीन की कटिंग। तो दोस्तों आस्तीन की कटिंग की जो लंबाई है वो स्क्रीन पे लिखी हुई है, 9.5 यानी 9 इंच की आस्तीन है और 5 इंच इसमें लेना है यानी ऊपर मार्जिन दबाने का। तो इस तरह से आपको लेना है, 9 इंच इसकी आस्तीन है। सबसे पहले ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, ये देख लीजिए। इसके बाद में 3 इंच का ये गैप ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नाप का दूसरा हिस्सा लेना है, यानी 11 का 5.5 और फिर 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है और 9.5 इंच इसकी लंबाई ले ली है और 1.5 इंच मोड़ने का मार्जिन हमने लिया है। इस तरह से नाप लिए दोस्तों, ये देख लीजिए। और मोरी है 10 इंच, तो इसके आधी हमने 5 इंच ले लिया है, ये देख लीजिए। इसके बाद में इसमें शेप दे देंगे निशान से मिलाते हुए, ये देख लीजिए, ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इसके बाद में इस तरह से ऊपर शेप दे देना आपको, उसे कटिंग कर लेना है, ये देख लीजिए, ये हमने कटिंग कर ली है। इधर से भी कट कर लेते हैं, ये देख लीजिए कितने अच्छे आस्तीन बनी है दोस्तों। यहाँ से भी चटका लगा लेंगे क्योंकि यहाँ हमारी नाप आएगी। तो दोस्तों इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ से आगे वाले पल्ला है उसमें इस तरह से आपको शेप दे देना होता है, ये हमने दे दिया है, देख लीजिए। ज़्यादा नहीं देना ना कम देना, इस तरह से शेप देनी होती है, देख लीजिए। इसके बाद में जो ये मुड्डा है उसी के हिसाब से जो कुर्ते का मुड्डा है वो रहना चाहिए दोस्तों, शोल्डर, ये देख लीजिए। तो दोस्तों हल्का सी कम आ रहा है तो इसके और बढ़ा लेते हैं मुड्डे को, ये देख लीजिए। इस तरह से बढ़ाने के बाद जो आगे वाला पल्ला है उसमें आपको शेप देना है ऊपर से डाउन करते हुए, ये देख लीजिए, 1.25 इंच ऊपर से डाउन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से शेप दे देना आपको, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको सफाई के साथ शेप दे देनी है। और यहाँ से जो गला है वो 2.5 इंच का ही है। तो दोस्तों ये देख लीजिए इस तरह से हमने कटिंग की है, ये देख लीजिए, ये आस्तीन है दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो 10 इंच इसके आस्तीन की मोरी है तो ये हमने लिख दिया है इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।